भाई ये ना बड़ा हरामपंती कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। अगर लव स्कूल में अगर मैं सच बताऊँ क्या करो, अब सब कंपटीशन ही करो, सब ऊपर ऊपर आओ, इनको सबसे नीचे लाओ, ये मोटे मोटी ना कुछ भी नहीं करवाएंगे। लव स्कूल में कपल्स का कंपेरेटिव स्पिरिट हाई था और इसकी वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन भी बढ़ गया, जो इनके रूम्स में एविडेंट था। वरुण तो मतलब नहीं पता अपने आपको, मतलब यहाँ का राजा समझ के रखा है, शाना समझ के रखा है, आके बैठता है और बोलता है किसने मेरी बैग बेचिंग की। तो कंपटीशन बोल बोल के जो बात चल रही है, और दूसरी बात हम क्या कर रहे थे कि कंपटीशन था और बाकी आगे पीछे करने की बातें हो रही थी और बाकी उसके बारे में बात हो रही थी, जो उनसे तू बोल नहीं रहा था स्टार्टिंग से ही कि इनके अंदर मुंह में जुबान नहीं थी, ये कुछ बोलते नहीं थे। आज ही बोल रहे हमारे कंधे बंदूक रखे चलाई तुम लोगों ने, किस पे चलाई, क्या चले से बात नहीं कर, जगनूरी कंधे पे, अब ये नए कपड़े कंधे पे, तो सीधा बोलना सिंपथी गेन कर रही है सामने के कूबों पे, सामने कूबों पे तुम्हारा मेंटल तूने मेरा कंधा यूज किया, मैंने तो निकाल है, नहीं नहीं तूने मेरा कंधा यूज किया है, मैं तो बात नहीं कर रहा ना, जो मेरे को बात नहीं करना इसके साथ, मेरे साथ मत फैलियो, मैं भी नहीं इस चक्कर में, मेरे साथ मत फैलियो, मैं भी नहीं फैल रहा, मैं भी नहीं फैल रहा, मत फैलियो, मैं भी नहीं। दो मिनट के अंदर ओए नीचे बता, शिवम नीचे बता, ठीक है यार मैं बता रहा हूं, मैं तो नहीं, जब भी तू तो इस शो देखेगा मेरी एक बात लिखवा ले, आज ये बंदी तेरे साथ है इस शो पे, वो शो के लिए आई है, प्यार के लिए नहीं आई। मैंने देख लिया वो तुम्हारी औकात क्या, तुम्हें तू करके ही बोलूंगा पूरे शो में, जब तक तुम हो जब तक मैं हूं तुझे तू ही बोलूंगा, ये मैं सोचे 26 साल का भैया भैया करूंगा, भैया तो मैं बना के भेजूंगा तेरे को। इतना ज्यादा लड़ाई हो चुकी थी, इतनी गर्मा गर्म हो चुका था माहौल, तभी घंटी बजती है और लव स्क्रॉल आता है। लव स्क्रॉल में लिखा होता है कि करण और अनुषा ने हमें एक छोटी सी गेम खेलने के लिए खेला है, मैरी किल एंड डेट, जिसमें आप अपने पार्टनर के लिए नहीं, आप दूसरे पार्टनर्स के लिए लिखेंगे कि किसके साथ आप शादी करना चाहेंगे, किसके साथ आप डेट पे जाना चाहेंगे और आप किसको मारना चाहेंगे। So, उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैरी किल और डेट पे ऑप्शन डालना था और आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं लिख सकते थे और लव स्कूल में कोई इतना डिजर्विंग नहीं था जो मेरे साथ शादी करे और मेरे साथ डेट पे जाए, और मारने की बात आई तो मैं हर किसी को मार सकती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो आफ्टरनून। यार हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग आपको जितना टाइम दे सकें एक साथ स्पेंड करने का, हम आपको देने की कोशिश करते हैं कि आप यार इतने दिन एक साथ रहो विदाउट फोन्स, विदाउट एनीथिंग एल्स डिस्टर्बिंग यू, लेकिन असली सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है। रियल लाइफ सिनेरियो में आप सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड के साथ 24 घंटे नहीं होते, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। इट इज़ बट ऑब्वियस, इट इज़ नेचुरल कि आप एक दिन में हज़ारों और लोगों को मिलोगे। एंड नोबडी इज परफेक्ट। अगर आज आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी पार्टनर के बारे में कुछ 5 या 6 चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी, बहुत अट्रैक्टिव लगती होंगी, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है एंड इट्स अ फैक्ट, सो बी ट्रू, क्योंकि आप रोज़ नए नए लोगों को मिलते हो जिसमें कोई ना कोई एक ऐसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी तो होती है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो आज हम आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो में डालने वाले हैं जहां पर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, किसी और के साथ बैठे होंगे और उनकी क्वालिटीज पर ध्यान दे रहे होंगे। व्हाट इज इंप्रेसिव अबाउट दिस अदर पर्सन? बेसिकली इट्स कॉल्ड अ डेट स्वैप।
मतलब अब आपको पता नहीं होगा कि आप किसके साथ डेट पर जाने वाले हो, एक ब्लाइंड डेट जैसी होगी। मतलब इट वाज एक तरीके से आप समझो। इतना लंबा स्माइल है तुम्हारे मुंह पे। चलिए एक एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं सारी लड़कियों को, आप सब इन लड़कों को जानते हैं। अगर मैं एक बोलता हूं कि कंसेंसस में आप सब बताइए कि एक कोई एक ऐसा लड़का जिसके साथ आप सबकी सब थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। आशा, शिवम, 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 डेट पे शिवम, मैरी शिवम, खाना खाना शिवम, सोना सोना शिवम, पर मैंने एक ही ऑप्शन दिया किल में शिवम। चल शिवम तुझसे ही पूछते हैं यार, क्योंकि अब तू हॉट फेवरेट है यहाँ पर, तो अपने पार्टनर के अलावा आप किससे शादी करना चाहेंगे, या किसको गोली से उड़ाना चाहेंगे, या किसको आप डेट पे लेके जाना चाहेंगे? शादी में पाशा से करूंगा। और Wait one second. I'm the one luckiest girl from all girls. Shivam choose who he want to marry. Pasha. Date mein. Anjali ko kar leta hu. My God. What's with you, baby? Guli kisko maarna chahte ho? I never, 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 never felt this way before. मुझे मार दो इतना सुनने के बाद। तो अपने आप को समझते क्या हो भाई, तुमको एक थप्पड़ मारूंगा तुम कहां से कहां उड़ के जाओगे तुम्हें नहीं पता। हेमराज, गोली किसको मारेगा ये बता। गोली मैंने क्या किया? बातें ही सुन, ब्ला 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 ब्ला। इससे अगर कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, पहले ही खानदान का नाम बताइए फिर बाद में अपना। So girls and boys, are you excited to go on this date swap? Yes. Okay guys, have a great day really, and we'll see you soon. जैसे ही मैं गया डेट पे तैयार हो, मैं तो फुल रेडी था कि देखी जाएगी जो भी आए, बट जब वो आई तो इज दिस जिस लड़की को मैंने गोली मारने के लिए लिख रखा था उसी को भेज दिया मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगा? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शिवम आएगा वहां पे, बट आई डोंट नो फ्रॉम नो वेयर मैं देख रही हूँ कि वहां पे खेमराज बैठा हुआ है, जो मैंने सोचा तक नहीं था, तो इट वॉज लाइक अ शॉकिंग फॉर मी। एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे? हाँ जरूर एक्सपेक्ट कर। कैसे? क्योंकि आफ्टरनून में मैं लिख रखा था। Afternoon mein you wanted to kill me if I am not mistaken. मुझे तो actually भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पहली ऐसी डेट है जिसमें मैं बैठी, because अशरफ कभी लेके नहीं गया मुझे ऐसे। अच्छा। हम हमेशा क्लब्स वगैरह में रहे, तो ऐसी डेट मेरे लिए तो it's like a special to me. अब करण ने मुझे एक सीक्रेट टास्क दिया था, मुझे उसकी शेविंग करनी थी और उसके कपड़े चेंज कराने थे। तुमने क्या पहना हुआ है? ब्लेजर है। तुम शर्ट में ज्यादा अच्छा लगते हो। कैन यू प्लीज चेंज इट फॉर मी? आई वुड रियली लव इट। थैंक यू। यस। या तो अब बताओ अब कैसा लग रहा हूँ? तुम्हारी ग्रूमिंग पाशा करती है? तुम्हारा हेयर डू एंड एवरीथिंग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद ही करते हो? बिकॉज़ जब मैं आई थी तो तुमने शेविंग नहीं कर शेव कर रखा था आई गेस। हाँ 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 हाँ। तुम्हें किसी ने बोला तुम इसमें ज्यादा हैंडसम लगते हो? जो मैंने शेव किया, जैसे तुमने अभी ग्रो कर रखा है अपनी बियर्ड, तुम इसके बिना ज्यादा हैंडसम लगते हो। यू लुक यंग,
I started flirting with him, बड़े प्यार से कि और मैंने उसे सबसे पहले compliment किया तो खुश हो गया वो because of course कोई लड़की compliment करेगी किसी भी लड़के को तो उसे अच्छा ही लगता है। हाँ तो अब मतलब पाशा को अच्छा लगता है मतलब ऐसे इस style में तो। जब हम date पे आते हैं तो फिर लड़की के लिए कुछ लेके आती है फिर लड़की कुछ कहती है तो करना पड़ता है। हाँ अगर लड़की कहती है तो अब जब मैंने तुमने ये शर्ट दिया और तुम्हें इतने हैंडसम लग रहे हो तो मैं तुम्हें पूरा हैंडसम देखना चाहती हूँ। ओके जैसे तुमने अभी ग्रो कर रखा है अपनी बियर्ड तुम इसके बिना ज्यादा हैंडसम लगते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बियर्ड के बिना मेरे सामने बैठो। यार ये फिर थोड़ा ज्यादा हो जाए मतलब डेट पे आए हो तो मैं इतना नहीं करोगे बट तुम्हें पता था कि आज डेट पे जाना है तो अब तुम शेव करोगे। मैं उसे मना किया 10 बार मना किया ठीक है मैडम मत करो ठीक है बट वो मानी नहीं। और भाई लड़की फुल शेविंग किट मेरे को लग रहा था वो पहले से प्लान करके आए भैया इसको तो बना के जाऊंगी आज। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को ये लगा लड़की को कम्फर्ट फुद्दो कम्फर्ट सो फॉर दिस लड़की कम्फर्ट नहीं सो 2 weeks हर अप बैड लक ने दिया तोहफा खोल के हो गया खुश इतने प्यार से कभी किया तुम्हारा किसी ने शेविंग अपनी बर्बादी का सायरन सुन के भी बेशरम पूछे व्हाट इज दैट ओ पाजी तुसी सच्चा पुसी कैट। भाई साहब मेरी अच्छी खासी दाढ़ी थी क्या कर दिया मैंने लिटरली उस बंदे की ले ली वो भी बड़े प्यार से ओ पाजी तुसी सच्चा पुसी। एक्चुअली मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत पूल टास्क वगैरह हुए हैं मैं पूल में मुझे अभी तक चांस नहीं मिला तो मैं पूल में जाना चाहूंगी आपके साथ। मैडम ने डिमांड कर दी बात करते करते कि उनको स्विमिंग पूल में जाना है। मैंने शर्ट उतार दी मैं एक दिल लेकर के आया और मैंने उसको दे दिया मैंने बोला चलो गिफ्ट नहीं लेके आया यू कैन टेक दिस तो बस फिनिश डेट और नो और समथिंग मोर व्हाट आई डोंट नो या दैट डेट फिनिश। बिफोर माय डेट अनुशा एंड करण टोल्ड मी दैट आई हैव चैलेंज दैट आई हैव टू मेक गाय डिस्ट्रैक्ट लाइक टोटली डिस्ट्रैक्टिंग मेक हिम शाय मेक हिम फील अनकंफर्टेबल when I reach to my date oh my god seriously that's I right. can't even imagine this honey I can go with any boy from school with any boy I can go date but not with honey because with this kid what I plan to do like what I plan it to do with the guy how I plan it to distract him and do and they giving me a kid पर लग गए अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी ये पारशा है और you're looking so beautiful thank you have a seat really to give me a rose like he tried to be romantic and a professional dater but I know how to distract this kids bachchi I was not pretty sure ki tum aaogi but you are here yes actually before we have that problem that Bebo feel insecure and she think that we need to have some connection have something that, and she guess I also feel something you know like some connection is there just for our first date yes but can we dance पार्षा मेरे से कहती डांस करने को मैं कल लग गए अब मेरे को ये है डेट पे मना भी नहीं कर सकता ना फिर क्या रशिया वाले केस डाल दें कि हमने तुम्हारे यहाँ अपनी लड़की भेजी तुमने डांस करने से मना कर दिया। So I was in heels, so he was around like this.
so I hug him like, and I tell him मैं कहाँ आ गया बाबा मजे आ गए सुनना सुन वैसे मैं डिप्रेशन में तो था मेरे को डांस डूंस आता नहीं पर देखने में डिप्रेशन थोड़ी लगता है देखने में तो मजे ही बड़े हैं हाँ तो फिर उसके बाद मैंने कह दिया बस मेरा मन भर गया नेक्स्ट टाइम बाद में मैं अपनी डेट पे पहुंचा जो पूल साइड में थी और वहां पे जाके मैंने सिर्फ लड़की की बैग देखी आगे जाते ही मैंने उसकी शक्ल देखी मैंने बोला ओह शिट भाई ये क्यों है और वो थी राशि का मैंने बोला सुबह इसी लड़की के लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मना किया इस लड़की से मेरी फर्स्ट डे से लड़ाई हो रही है इसी लड़की से मैंने सोचा था मैं बात क्या करूंगा I did not expect so much. मुझे पता था तू ही मिलेगी मुझे को भी ऐसे लग रहा था मुझे अंदर से पता था ना मेरे को मारना चाहती है तू मैं तेरे को मारना चाहता हूँ इसलिए तू इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है मुझसे मैं तो उससे नफरत नहीं करता तूने बिना बात में मुझसे फर्स्ट डे से लड़ाइयां करी हुई मैंने कहा तुझसे लड़ाई की फर्स्ट डे से ओहो फर्स्ट डे में मतलब जब तू फर्स्ट डे आया था मैंने तुझसे कितने अच्छे से बात की थी तुझे भी पता है आई रिमेम्बर तू तेरे बाल एकदम चिपके हुए थे और तूने ऑरेंज कलर का कुछ पहना था मुझे इतना भी याद है मेरी इतनी तारीफ तो आज तक इस लड़की ने नहीं की जितनी उस लड़की ने कर दी तो मैंने बहुत तारीफें करी तुम देखना अभी मैंने सोफिया फर्स्ट डे ही बोला था मैंने बोला रशिका के लिप्स बहुत अच्छे हैं तो मैं उसे किस कर लूंगा अरे हाँ मैंने बोला था मुझे भी टास्क दिया था करण अनुषा ने और मुझे टास्क ये दिया था कि मेरे को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलानी है जो भी मेरी डेट होगी उसको और मुझको उससे किस करवाना है अपने आप को और मेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं थी मैं अंदर से भी चाहता था कि हाँ ऐसे मैं देखना चाहता था कि सोफिया मेरे बारे में क्या सोचती है हाँ, कितना चिढ़ती है हाँ तो इसलिए हम लॉल मेरे से चिढ़ मैं अभी देख किस तो मैं करा के रहूंगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है डेट पे आए हैं हम रुक जा चीक पे किस कर सकते हैं हम अच्छा चल ऐसे थप्पड़ भी नहीं मारना चाहती थी पता चला थप्पड़ ही मार देती गुस्से में पर मैंने बहुत कंट्रोल किया मैंने उसको संभाल के बोला कि चल बैठ जाते हैं सोफिया का रिएक्शन तेरे लिए नहीं मेरे लिए उल्टा होने वाला है तेरा चलेगा भव्या तो मुझे उड़ा देगा चल कुछ एंटरटेन ही करते हैं ठीक है हर तरह से तूने आइसक्रीम खाई होगी ठीक है ओके ठीक है चल तू भी यही करना तो बोलती आप भी खाओ ना तो मैंने बोला चल गधी को बाप बना लेते हैं तो मैंने ऐसे करके आइसक्रीम दी और उसने करके ची खा ली आय हाय ओ राशिका तेरे लिए चल बे अच्छे लग रहे हैं अच्छा तरीका अच्छा था तेरा जिस मुंह पे पानी फेंका था उस मुंह पे किस भी कर सकती है कोई बैठ जा तो आसान नहीं है आजा नॉर्मल किस आ तो जा एक बार केक खाएगा मेरे हाथ से पहले चिक्स पे किस करेगी चल खत्म कर दे करो चिक्स पे डेट पर खत्म करनी पड़ेगी चिक्स पे किस नहीं करनी नहीं 48 पे नहीं मुझे किसी ने करना है पक्का पक्का मैंने देखा वो किस नहीं दे रही तो मैंने सोचा चल यार अपना टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं मैंने बोला चल राशिका बहुत हो गई डेट ये डेट को इधर ही खत्म करके अपने वापस चलते हैं राशिका यू हैव टू पे फॉर इट सून जैसे मैं वहां पहुंची मैंने जो देखा इट वाज क्वाइट क्यूट मैं रियल लाइफ सिनेरियो में तो ऐसा डेट कभी नहीं करती कि मैं किसी के साथ डिनर पे जाऊं जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वहां जैकलीन बैठी थी डेट के लिए मतलब हेलो हाउ आर यू सुपर यू लुक प्रीटी मैन थैंक यू नाइस क्रॉप ड्रेस थैंक यू आई वाज रिलैक्स्ड कि चलो ठीक है ये डेट इसके साथ है मतलब इट्स नॉट गोना बी एनीथिंग एक्साइटिंग आई हैव कम फॉर एन एग्जाम एंड आई विल गो बैक ये है सर ऐसा क्या तूने गर्ल्स अभी लिया है क्या पहले तो कॉल नहीं करती है ना नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए अच्छा है काफी अच्छा नहीं मैंने नोटिस किया था
करण अनुषा की तरफ से मेरे को एक टास्क आया था। टास्क ये था, एक नूडल का स्ट्रैंड लेना है और उस स्ट्रैंड को तुम्हें भी खाना है, उसे भी खाना है, और जितना पास आ सको उतना पास आना है। तो मैंने क्या सोचा था कि वो बिस्किट है ना, उसको हम दोनों एक एक साइड से ऐसे बाइट करें। हाँ। और उसमें हम दोनों ने किस टाइप किया था, तो मैं वही सोचा था अपन अगर इस डेट को मेरे फॉर द कैमरा किस नहीं करेंगे, बट हाँ आई डोंट माइंड, सबसे लंबा वाला तो मिले पहले, सबसे कोई लंबा वाला मिल जाए। मुझे लगा कि चलो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं किसी डेट पे हूँ जो वो बोलेगा मुझे करना चाहिए। तो कभी नहीं किया ऐसे, आपने कभी बोला ही नहीं मुझे। और उसको तो उसके लिए पगला गई उसके लिए तो? नहीं पगला ही नहीं गई, फिर हमने वही किया। और लेकिन जैसे ही हम 4 इंच पास आए तो मैंने वो नूडल स्ट्रैंड काट दिया अपने दांत से। Oh my God! Oh seriously? वो बहुत mixed feeling थी उस time पे, क्योंकि मैं वरुण को बहुत time से भाई as a brother treat करती थी। मैं अब भैया नहीं बोलूँगी, मैं पहले बता रही हूँ ना, अब भैया नहीं बोलूँगी। जब भी पंगे होते हैं, जब भी लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ा मुझे गुस्सा आता है, but I don't co-fi my apa, मतलब I change senses, and I talk on logic. But I've seen you, you're really positive, you know, like you give positive vibes to those people as well who are sitting around. And कभी कभार होता है पता है, लड़कियाँ ज़्यादा गाली देती हैं अच्छी नहीं लगती, जैसे आप जैकलिन को समझाते हो बार बार गालियाँ देना, बहुत गालियाँ, आपको नहीं लगता मतलब कभी कभार वो इतनी गाली दी जाती है, वो एक लड़कियों की इमेज नहीं चेंज हो जाती। ऑब्वियसली आपको भी लगता होगा ना कि कोई अगर कोई और लड़की होती वो ऐसे गाली नहीं देती, ज्यादा अच्छा होता। अगर आपको ये चांस मिले कि जैकलिन को छोड़ दो और मेरे को आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ रिलेशनशिप में, मैं हाँ I don't know how, but वो बार 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 जैकलिन को डिग्रेड करने की कोशिश कर रही थी कि जैकलिन थोड़ी हैवी है, और मैं जैकलिन को सपोर्ट करता जा रहा था। वो बोलती थी लेट्स नॉट टॉक अबाउट जैकलिन एंड शिवम, बट स्टिल वो जैकलिन के पास बार बार आ जाती थी बोलने के लिए कि जैकलिन को छोड़ मेरे पास आ जाओ, और मैं उसको बार बार बोलते जा रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं। मैं बार बार कन्फ्यूज हो रही थी कि मैं कैसे उससे टास्क परफॉर्म कराऊँ, तो सडनली उसने मुझे खुद ही बोल दिया कि लेट्स हैव डांस। सो आई वॉज लाइक ठीक है, वो बोले या मैं बोलूँ, मुझे तो मेरा टास्क परफॉर्म करना है उस टाइम पे। तो हमारा फिर डांस शुरू हुआ। You like dance? Yeah, I love dance. Start dance करते हैं। Let's have dance. अगर अपनी डेट को मैं ओवरऑल बताऊं कैसी थी, तो मैं ये नहीं कहूंगी काफी अच्छी थी या काफी बुरी थी, अब उससे थोड़ी वियर्ड टाइप थी, बिकॉज उसके सवाल काफी ऐसे थे कि उसको अटेंशन चाहिए थी, तो I was not that happy with the date. मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ कौन आएगा कौन आएगा, दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं कि यार किसको भेजेंगे। Oh my God! आती है बेबो। तो बताओ कुछ अपने बारे में, देख साथ रहते हैं हनी साथ होता है, अंजलि साथ होते हैं, तो मतलब बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। तू भी मुस्लिम है? हाँ। मैं भी मुस्लिम हूँ। हाँ। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो इफ अगर अंजलि या फिर मुझ में से किसी एक को चुनना रहा तो मौका मत गवा। यार अंजलि, ऑफ कोर्स अंजलि। Most romantic vacation destination क्या है तेरी? मेरी? बेबो का तो सीन ही अलग था। पहले मुझे लगा बेबो को आज हो क्या गया है, समझ ही नहीं आ रहा था भाई किस मूड में आई कि मतलब वो वहां पे बातें करने लगी, वो मेरे समझ से बाहर जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि अंजलि फ्लाई कर रही हो। तू फिर रिटर्न अंजलि को
बीच में लेके आ गया, मतलब तुझे उसके साथ डेट करना है तो उसके पास जाना, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है बैठ यार? बेब मेरी लाइफ है वो, मेरी जिंदगी है। फिर लाइफ तो फिर यहाँ पर क्यों आया उसको छोड़कर? तुम वहीं जाना यार, डेट ठीक है यार, बट अंजलि और बेब में तो एक क्वेश्चन किया था ना, तो सिंपली था मतलब ऑनेस्टली बोल के आंसर दे देना तू, मतलब ये डर रहा है कि अंजलि के साथ जाके अंजलि को बता चल जाएगी, डर नहीं रहा तो बोल ना। डर नहीं रहा, ये सच्चाई है कि मैं नहीं जाता भाई, आपको मैं लाइक करता हूँ एज अ फ्रेंड। डेट वाला सीन है कि हम आगे अलग बात है, बाकी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें अंजलि की जगह देना चाहता हूँ, सॉरी। पक्का? ठीक है, चल चल फिर डेट खत्म करते हैं हम यहीं से, ठीक है? चल मैं मतलब बोलते गई बट वो बंदा यार सीरियसली अंजलि मुझे तो किस बात का हो रहा था यार, मेरा टास्क था जो हमें करण सर और अनुषा मैम ने दिया था जो मुझसे पूरा नहीं हो पाया। वो पता था कि जैसे सोफिया को और सबको पता चलेगा कि मैंने आज अपने हाथ से एक लड़की को आइसक्रीम लिख करवाई है कि ये सड़ जाएगी। आइसक्रीम खिला रहे हैं? हाँ, तो दो टास्क थे मेरे, तो मैंने एक तो कर लिया, आइसक्रीम खिलानी थी तुझे। हाँ। तो वो तेरा टास्क हो गया, दूसरा का सेल्फी किस वाला? किस नहीं हुआ ना? नहीं वो नहीं हुआ। अच्छा, इसने तुम्हें किस नहीं दी? तो उन्होंने अच्छा है नहीं दी, बाद में गया भाई टास्क कैसा होता है इसका। होली फक, मुंह छुपाते छुपाते मैं भी रूम में आया। उसके बाद हेल, जस्ट हेल। What happened? What the f is this? What? Are you mad? What? What was you cut? You know how you... No, I cut off my boyfriend. Not you. She did. You looking... You looking very bad. What is the That's right. Welcome to MTV Love School Season 2 and welcome to your Judgment Night. Thank you. आई एम श्योर आप लोगों ने आपस में तो डिस्कस कर ही लिया होगा कि किसके साथ क्या हुआ और किसने क्या किया एंड ऑल ऑफ दैट। सो वेल, हु ऑल हैड फन टुडे? वेल वरुण, हाउ वाज योर डेट? आई टुक दिस डेट वेरी सीरियसली एज अ टास्क, कि आई टेल यू कि रीजन क्या था। जब जैकलिन से हमारा ये पॉइंट ये है कि मैंने बहुत क्लियरली बताया था आप लोगों को, लाइफ में आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप बाहर जाते हैं, आपको लोग मिलते हैं, आप उनके लिए गाने नहीं गाते। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा ते मैं यारा नु मनावा। आप जाते हैं ना, आप उनसे इंस्पायर होते हैं या उनसे इंप्रेस होते हैं या फिर आप उनसे आई मीन यू डोंट टेक देम फॉर यू नो यू डोंट हग देम इन डांस। हाँ केमराज, पानी नमकीन था, कैसा था? तेरी गर्लफ्रेंड को लेके स्विमिंग पूल में जाऊं? आया मजा भाई? अब उस चीज अरे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं। क्या कर रहे थे यार तुम लोग? अब क्या? That what I told him when we discussed, then he become angry. He say that I say no, but she did. एक मिनट पाशा, he said that he said no, but she didn't listen to him. Yeah, like she did. राशिका, आपने किस करने दी?
भाई अब क्या शिवम सोफिया क्या कर रहे थे यार तुम लोग? मैं इसके साथ राशिका के साथ डेट पे गया था, बस नॉर्मल पहले हमने बहुत अच्छी तरह से बात करी, जितनी भी हमारी स्टार्टिंग से बातें ख़राब हुई है इसलिए हमने पहले नॉर्मल बात करी, उसके बाद बस पहली बार ही मैं डेट पे गया था ऐसे, मैं किसी के साथ डेट पे भी नहीं गया। पहली बार तू डेट पे गया था, तू पहली डेट में तू किस मांगना शुरू कर दिया? फर्स्ट डे ही बोला था मैंने, बोला रशिका के लिप्स बहुत अच्छे हैं तो मैं उसे किस कर लूंगा। हाँ मैंने बोला था, मैं अभी देख किस तो मैं करा के रहूंगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। मैंने ऐसे किस नहीं बोला था, अब लड़की अपने भाई को भी किस कर सकती है, फ्रेंड को भी किस कर सकती है, मैंने ऐसे कोई। अरे भाई सेल्फी सेल्फी के तो तू पीछे ही पड़ गया था हाथ धो के। हनी आशा बहुत मजे आ रहे थे हनी। भव्य कैसे थे तुम्हारे नूडल्स? सर मेरे नूडल्स मेरी तरफ थे, उसके नूडल्स उसकी तरफ थे। रशिका अगर आप एक नूडल आपके आपका बॉयफ्रेंड और किसी और की गर्लफ्रेंड एक नूडल लेके चार इंच पास आ रही हैं या पांच इंच पास आ रही हैं, आर यू ओके विद? Who will like it? चाहे आप कितना दूर हो पर you are together, right? तुमने उस टाइम मुझे बोल दिया, डिफेंड कर दिया। हाँ, this licked him? Yeah. What did you do? Well. Actually, I'm proud of you guys. No, I'm not kidding. मतलब तुम लोग सुनते नहीं हो ढंग से, but I'm proud of you guys. Okay, पहले जो कर रहा था मैं ठीक हूँ। I am proud of you guys. Come on. यार actually ना, मैं जब तक लेता नहीं हूँ ना तो मेरे को मजा नहीं आता। I swear, मैं यही चाहता था कि तुम लोग जाओ और थोड़ा सा एंजॉय करो। देखिए दुनिया में आपके ऊपर इस तरह की ही सिचुएशंस आएंगी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक केयर ऑफ दोस सिचुएशंस, और आप खराब मत करो अपना रिलेशनशिप उसके चक्कर में। यू थिंक पीपल विल नॉट हिट ऑन यू और योर गर्लफ्रेंड? आपका मूड इतना खराब क्यों है? क्या हो गया? क्या हुआ? उसको ये लग रहा है कि एक फ्रेंडशिप का लेवल था, उसने मुझे किस के लिए बोला तो मैंने मना किया। दैट वाज द मेन थिंग, मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए सही नहीं है तो मैंने मना किया वो। बट आइसक्रीम खाना हाथ से, तो आप किसी के भी हाथ से आइसक्रीम खा ले तो दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड दिस? तूने आखिरी बार उसको आइसक्रीम कब खिलाई थी अपने हाथ से, या कुछ भी अपने हाथ से कब खिलाई थी? हुआ है अभी, बहुत रिसेंटली हुआ है। तो अपसेट किसके लिए? उसने किस करने के लिए मना किया सर? कम से कम 17 बार बोला उसने कि चल एक चीक पे किस कर दे यार, एक चीक पे किस कर दे, एक सेल्फी खींचनी, उसने नहीं किया। एंड मुझे एक बात बताओ, टू बी क्योंकि वी आर डूइंग दिस नाउ, आई वांट टू गेट इनटू दिस, उसने अब किसी के हाथ से आइसक्रीम खाई और तुम किसी के लिप्स टू लिप्स नूडल लटका सकते हो 4 इंच दूर? व्हाटएवर, इट्स 4 इंचेस ड्यूड, आई डिड नॉट इवन टच हर। Rashika, are you okay with noodles 4 I'm inches? I'm fine. मैंने कुछ नहीं बोला. Because I know Jacqueline. Exactly. Thank you for being a grown, immature woman. Bhavya, you're behaving like a child. Real world scenario पे आते हैं भव्य। एक बहुत बड़ी ad का producer है। वो इनके साथ काम करना चाहते हैं। Okay? 99% of the time, जब भी कोई लड़की set पे होती है, तो उसके बॉयफ्रेंड की, जो भी उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसकी बजाई जाती है और मुंह पे बजाई जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर एट पार एंड दे मेन एंड दे वांट टू डू ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यही हो रहा है तेरे साथ। उसको काम करना है वहां पर एंड दैट इज द प्रायोरिटी राइट।
क्या वो एड कंप्लीट नहीं करेगी क्योंकि उस बंदे ने तेरे बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोला था? क्या करेगी? और फिर तू मुंह सजा के बैठ जाएगा, फिर वो काम कैसे करेगी? मैंने बोला कि आई एम नॉट लाइकिंग द वे, मतलब इसने सीरियसली नहीं बोला मुझे कि इसको सच में फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, तो अभी जब मालूम पड़ रहा है कि इसको फिल्म इंडस्ट्री में रहना है एंड आई नो द नुआंसेस ऑफ द इंडस्ट्री, तू तो एक्टर बन रहा है। हाँ मैं बन रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं बनेगी? इसको प्रॉब्लम नहीं है एक्टिंग बनने से, अगर होता तो पहले ही बोल देती। मेरे को प्रॉब्लम है अगर सो आप बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है इफ शी इज टेकिंग हर वर्क इन द इंडस्ट्री सीरियसली, बट उसका प्रॉब्लम नहीं इफ यू आर बिकमिंग एन एक्टर। इजंट दैट डबल स्टैंडर्ड्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। सो यू आर नॉट सपोर्टिव बट शी इज सपोर्टिव फॉर मेन एंड वुमेन। ऐसा तुम क्यों सोचते हो यार? ओह गॉड, इसकी थिंकिंग में बहुत प्रॉब्लम है। तुम ऐसे रहोगे भव्य तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी यार? ये लिटरली ना एक चीप थिंकिंग हुई है तुम्हारी। शट अप यार, ओए तमीज से बात करियो। उसको बोलना चुप रहने के लिए। भव्य, डू नॉट शट अप अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ मी एवर अगेन, बिकॉज इफ आई कम एंड शट यू अप यू विल नेवर बी एबल टू ओपन योर गॉडडैम माउथ। डोंट यूज योर मेल शोविनिस्टिक चीप मेंटालिटी हियर, यू अंडरस्टैंड? Okay, you know what? I'm going to jump in because Karan's done enough talking and I'm a woman now. And I'm in this industry, so I'm going to talk. First and foremost, don't ever disrespect women. Whether you're in the industry or not, nobody here on this set, anywhere in real life, disrespects a woman or a man. Yes? Equality is the thing. I'm not saying anyone should disrespect a man or a woman. One, say sorry to Sophia right now. Sorry, Sophia. No, look her in the eyes and have that. Sophia, I'm sorry. Two, I don't know kya problem hai Rashika ke saath that you cannot use your brain and think that everything that is coming out of your mouth right now is just stupidity. Unintelligent stupidity. Bhavya, look me in the eye and tell me, what am I in this industry as a woman sitting here? Am I cheap? Am I... What am I, Bhavya? There are always exceptions. Nahin, nahin. You are an exception. Kya bol rahe hai, man? Like, Rick, what do you mean this? No, you will not talk. Why is there an exception? Why is Rashika less than me? Abhi bata. अगर आपकी आपके बॉयफ्रेंड के साथ 5 घंटे पहले फाइट हो चुकी है उसी चीज को लेके, उसी लड़के को लेके, तो आप जाके उसी लड़के के साथ ये नहीं करोगे? क्या नहीं करेंगे? मैंने इसको बोला कि मुझे नहीं पसंद है कि तुम उससे बात करो, या तुमने उसका नाम मैरिज में लिखा, उससे तुम्हारा नाम किल में लिखा। अगर कोई लड़की होती जिसको लेके ये इनसिक्योर है और उस लड़की के साथ मुझे कुछ भी करने के लिए बोला होता, उससे बात भी करने के लिए बोला होता, तो मैं नहीं करता। भव्या, can I just say something? If you hadn't been such a male chauvinist pig right now, I would have backed you up and said, you know what, I understand where you're coming from. Jab Shivan ne kill bola, ye sab, I guess you were feeling put in a corner and I understand where the insecurity came from. But you know what, you just dug your own grave, you sat in it and closed the coffin. Rashika, how do you feel? Do you think that he's controlling your life, your work, your everything? How do you feel? Aapko kaisa lag raha hai? Obviously, मैं किस सबसे पहले बात बता दूं, मैं किसी की स्लेव नहीं हूं। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चाबी लेके मुझे घुमाओगे, सॉरी। और मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ, तुम्हें पसंद नहीं है सारी चीज़ें, और इफ़ यू आर सो इनसिक्योर यू कैन लीव मी एनी टाइम, पर मैं सब चीज़ें सुन नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि मुझे मुझ पर ट्रस्ट है, तुम्हें नहीं है मुझ पे ट्रस्ट। इट्स योर प्रॉब्लम। Also, I have to say, she's so ready to forgive Shivam because that's the kind of girl she is. It's a very nice habit. You don't keep it in your heart. You will be negative and miserable all your life. And you'll make her life also negative. I'm just saying, guys, इसको पॉजिटिवली लेना है, okay? Because
दिस इज जस्ट वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल और ये क्लोज्ड ग्रुप के अंदर हुआ है वेर यू ट्रस्ट एवरीबडी जिनकी गर्लफ्रेंड्स को आप जानते हो जिनकी बॉयफ्रेंड्स के साथ आप रोज आपको उठना बैठना अगर आप यहाँ पर इस तरह से बिहेव करते हो बाई ट्रस्टिंग योर पार्टनर्स यू हैव टू डू द सेम when you go back into the real world jahan par ye aise hi situations hongi I'm not saying that it's easy guys yeah. I'm supporting you guys I understand but in the same breath I just want you to open your minds a little bit and say okay I trust them so much that they know their limit and they won't cross it bas itna hi Ashraf Anjali आप जानते हैं कि आप आज के हमारे टॉप स्कोरर्स में से एक हैं आप दोनों हाँ हम मानते हैं कि आप लोग हमारे स्कूल में लेट आए थे हम जानते हैं कि आप लोगों को वक्त नहीं मिला सब कुछ आराम आराम से करने का धीरे धीरे सीखने का आपको सीधा एक ऐसे झटके में हमने घुसा दिया था In the lie detector test. टेस्ट में हमने आपको घुसा दिया जो कि बिल्कुल आसान नहीं होता है एंड स्टिल आई थिंक उस एक इंसिडेंट के बाद से ही हमें आपके अंदर बहुत बहुत डिफरेंस नजर आया मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही मेजर इश्यू था और वो था ट्रस्ट जो कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद खत्म हो गया जब हम आए और हम डिस्कस कर रहे थे व्हेन आई वाज टेलिंग हिम एक्चुअली कि मैंने क्या क्या किया इसने कहा मुझे मत बता मुझे पता है आई ट्रस्ट यू मतलब हमारे हिस्ट्री में इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ग्रोथ इतनी ज्यादा प्रोग्रेस आई हैवंट सीन इट इन एनी ऑफ द कपल्स हियर अशरफ एंड अंजलि कांग्रेचुलेशंस गाइस यू गाइस हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम लव स्कूल आपने अपने प्रॉब्लम्स पे काम किया है और बहुत ज्यादा रैपिडली काम किया है एंड दैट मींस कि आप यहां से ग्रेजुएट होके जा रहे हैं It is sad क्योंकि आइए उदास तो होता ही है क्योंकि आप नहीं भाई मैं उदास नहीं हूँ मैं जिसले आया था मेरा काम Pick her up and bring her down like a fairy. Hi hi. So sweet. You are amazing. Stay happy, smile like this, and believe in him, okay? Bye. Chal bhai, sorry, huh? So cute. They're so lovely. Cute. They're lovely. They're beautiful. Bye, guys. I'm going to miss you guys. Bye. Bye. Stay in love forever. Be inspired by Anjali and Ashraf because they came a long way so quickly. So anyway, we'll see you tomorrow. Okay? Thank you. Good night.